बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत उसने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 10 सालों में किए गए कामों को भी गिनाया है। इसके घोषणा पत्र में क्या क्या बड़ी चीजें हैं, हमारे साथी गौरव हैं। गौरव नमस्कार। नमस्कार, कैसा है घोषणा पत्र? है, काफी लंबा चौड़ा ये जो रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र भी, मतलब इसमें अगर हम ये कहें कि 10 साल का जो हिसाब किताब है वो भी दिया गया है, पूरे बकायदे कि हमने इनके लिए ये किया, इनके लिए किया, कैटेगरी वाइज, और फिर उसके बाद आगे हम क्या करने वाले हैं, तो उसको गारंटी का एक रोड मैप तैयार किया। हाँ, जैसे कि अभी तक जो चल रहा था पूरा की मोदी की गारंटी जो टैगलाइन थी इस पूरे कैंपेन की, तो उसी को अपने संकल्प पत्र में भी लेके आए हैं। और जैसा कि पहले हम देखते थे कि बीजेपी घोषणा पत्र नहीं बोलती, संकल्प पत्र बोलती थी उस चीज को, और अब जो है उसमें मोदी की गारंटी जोड़ दिया है, तो इस चीज को लेकर आए आगे हम इसमें देने जा रहे हैं वो गारंटी के साथ दे रहे हैं। हाँ, और ये भी कहा है कि जो ये गारंटी हम देने जा रहे हैं, ये 4 जून को जैसे ही नतीजे आएंगे तो उसके बाद से ही तुरंत इस पर काम शुरू हो जाएगा। और जो 4 चीजों पर फोकस रखा, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। जो 4, सबसे पहले तो लाभार्थी वर्ग, जिनको एक नया नया कैटेगरी बन गया है, लाभार्थी वर्ग, लाभ मिला है योजनाओं का, कल्याणकारी जो भी स्टेट की योजना है, हाँ, तो उसमें जो 4 कैटेगरी बांटी गई है, पहले भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री अपने स्पीचेस में इस चीज को हाईलाइट कर चुके हैं कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं। तो ये 4 जातियों का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि जब विपक्ष की ओर से ये कहा जाता है कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जो जिसकी जिम्मेदारी, जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, तो उस नरेटिव को काउंटर करने के लिए मोदी की ओर से ये चीज लाई गई कि जातियां तो केवल 4 है, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। तो इन्हीं 4 जो कैटेगरी बांटी है बीजेपी ने, उन्हीं के आधार पर जो फोकस तैयार किया है, हाँ, फोकस रखा है, उन्हीं पर ज्यादा जोर दिया गया है। मैं एक एक करके आपको जो भी चीजें हैं, कुछ जो खास पॉइंटर्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। महिलाओं की अगर हम बात करें तो इसमें जो आरक्षण को लेकर बिल लाए हैं, रिजर्वेशन का बिल लेकर 33% जो संसद, लोकसभा में और राज्यसभा में होना चाहिए, उसको लेकर उसको हाईलाइट किया गया है कि सबको जो समान अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है, उनको उनकी गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। इसके अलावा 3 करोड़ लखपति दीदी का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, ये दावा किया गया है इसमें कि 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया गया है, और 3 करोड़ का हमारा लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य है। और इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सर्विस सेक्टर से, मतलब आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, रिटेल और टूरिज्म से जोड़ने का बात कहा गया है इसमें। और कामकाजी महिलाएं जो हैं उनके लिए हॉस्टल और जो एक माहौल, जिस तरीके से उनको जरूरत होती है उनको सहूलियत मिले, इसके लिए माहौल तैयार करने की बात भी इसमें कही गई है महिलाओं के लिए। एक युवा वर्ग में आप आएंगे, उससे पहले एक सवाल है हमारा। नहीं, हम महिलाओं पे ही अभी हम खर्च कर लेते हैं। हाँ, फिर इसके अलावा खेल में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुविधाओं का विस्तार करना और नए कार्यक्रमों को शुरू करने की बात कही गई है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव, ये बेहद जरूरी मुद्दा होता है। हम देखते हैं कि सड़कों पर पहला ही मुद्दा था बीजेपी का कि हम शौचालयों का निर्माण करें। हाँ, वो जब हम देखते हैं वो निजी लेवल पर था कि घर घर शौचालय बनाने का, ये सार्वजनिक शौचालयों की, क्योंकि महिलाओं को जब हम भी देखते हैं कि बाहर जाते हैं ट्रेवल करते समय और सिटी एरिया में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये छोटी छोटी चीजों का भी इसमें ध्यान रखा गया। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं पर, मतलब जो हेल्थ को लेकर भी थोड़े बहुत, और एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये चीज जो महिलाओं को रिजर्वेशन वाली बात हमने कही, तो ये उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है और ये एक जिस नाम से पास किया गया है। इसमें ना महिला रिजर्वेशन को लेके ठीक है बहुत सारी चीजें कही जा रही है, लेकिन इस पे सवाल भी उठ रहे हैं कि जो महिला रिजर्वेशन दिया गया है 3%, उसमें जो SC ST की आबादी है उस अनुसार नहीं दिया गया, क्योंकि एक महिलाओं को पूरा रिजर्वेशन दिया गया, उसमें जो कास्ट की बात आ रही है, जब आप बात करते हैं कि OBC की महिलाओं की भागीदारी उसमें कितनी है, तो उसमें नहीं है। एक बोलते हैं ना कि एक सामरिक रूप, बिल्कुल, और जो ये आरक्षण के अंदर आरक्षण वाली बात है, इसी चीज को लेकर चाहे वो शरद यादव रहे हो या लालू यादव रहे हो या मुलायम सिंह यादव रहे हो, जो ये महिला आरक्षण बिल करेगा, अब राहुल गांधी भी आ गए, लेकिन जब राहुल गांधी की सरकार थी तब वो जब इस पर बात करते थे तब जो है लालू यादव, शरद यादव, मुलायम यादव,
ये लोग इस चीज का विरोध करते थे और वो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता था कि ये महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जबकि वो महिला आरक्षण का विरोध नहीं था। वो महिला आरक्षण के अंदर जो अलग अलग जिनको संविधान में कैटेगरी में बांटा गया है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, जो अलग अलग समुदाय के लोग, पिछड़ा वर्ग और जो शोषित वंचित जो समाज है, उसको महिला आरक्षण जो 33% मिल रहा है उसमें भी उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि जो शोषित समाज है उसकी जो महिलाएं हैं वो तो और भी शोषित है अगर आप महिलाओं को दे रहे हैं तो फिर भी उठ रही है। बिल्कुल, तो यही था। अब राहुल गांधी भी इसके समर्थन में आए, लेकिन जब राहुल गांधी की सरकार थी यूपीए की, तब जो है वो इसी वजह से अटक जाती थी ये बिल, जब जो आरजेडी या सपा मुलायम सिंह यादव जब इसकी बात करते थे तो उन्होंने महिला विरोधी या महिला आरक्षण का विरोधी कहकर वो इन्होंने खारिज किया जाता था। जल्दी जल्दी युवाओं पे, बिल्कुल एक सवाल है पहले आप युवाओं पे आए, अग्निवीर की इसमें जिक्र है क्योंकि राजनाथ सिंह ने अपनी एक रैली में कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अग्निवीर योजना में हम संशोधन कर सकते हैं। नहीं, अग्निवीर का तो इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन जो राजनाथ सिंह ने जिसको कहा उसको मुझे लगता है कि काफी गलत तरीके से रिप्रेजेंट भी किया गया, या उन्होंने ही घुमा कर एक तरीके से इसका लाभ लेने की कोशिश की, क्योंकि बाद में भी उन्होंने कई बार इस चीज का जिक्र किया। आगे वो एक चैनल के कार्यक्रम में थे और वहां उनसे पूछा गया कि अग्निवीर को लेकर काफी रोष है, गुस्सा है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे सेना की इस तरह की जरूरत थी कि एज को बढ़ाया जाए, नए लड़के आए जो टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हो और जो है जिनमें जोश और जुनून हो, क्योंकि हम देखते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो सैनिक हैं ऐसा नहीं है कि जो मतलब जिन जो एजेड हो गए हैं वो उनमें जोश की कमी है, लेकिन जो नए लड़के आते हैं तो थोड़ा ज्यादा वो रहता है, हालांकि जो केवल 4 साल का उनको मिलता है सर्विस का एरिया, तो उसको लेकर काफी दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि हमने काफी प्रावधान भी किया है कि जब वो अपना सर्विस खत्म करके अग्निवीर वापस मुख्यधारा में लौटेंगे तो उनको सहूलियतें दी जाएंगी तमाम रोजगार के समय, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम अग्निवीर स्कीम में देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो किस तरीके से और बदलाव किया जा सकता है। उसको इस तरीके से लिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो अग्निवीर को हटाया जा सकता है क्या, या खारिज किया जा सकता है क्या, बदला जा सकता है क्या, जबकि वो एक तरीके से उन्होंने खेलने की कोशिश की या उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि अग्निवीर पर बैकफुट पे है सरकार, जबकि ऐसा मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा बात, जातिगत, हालांकि बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं रही है, लेकिन एक आपने बताया कि एक सामूहिक रूप से उसने एक चीज बोली है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किस वर्ग का, किस समुदाय, क्योंकि उसने 3 जातियों 4 जातियों का जिक्र किया है, गरीबी वो, हालांकि जेपी नड्डा का हम भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि भारत में गरीबी रेखा 1% से नीचे आ गई, क्योंकि कितना सही है कितना ये तो आंकड़ेबाजी है, लेकिन लोगों का ये सवाल है कि अगर गरीबी रेखा नीचे आ रही है तो ये 80 करोड़ राशन किसको बांट रहे हैं आप, और 80 करोड़ राशन पे आपको बता दें कि 5 साल और आगे बढ़ाने की गारंटी की। हम यूथ पे आते हैं, आप यूथ पे बात कर रहे थे, 46 करोड़ लोन मतलब 727 लाख करोड़, मतलब ये 46 करोड़ लोगों को लोन देने की बात कही गई है, 7 IIT, 16 IIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 यूनिवर्सिटीज खोले गए, ये दावा किया गया, और 1.5 करोड़ युवाओं को जो है स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया पीएम कौशल विकास योजना के तहत। हम चीज रोक रहे हैं आपको, मेरा युवा भारत कार्यक्रम का एक जिक्र है, ये आप जब 18वें पेज पे आएंगे इसके, राष्ट्र निर्माण में युवा भागीदारी, ये क्या है? युवा भारत एक प्रोग्राम भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया, ये लीडरशिप स्किल है या कोई भी जो आपके अंदर स्किल है उसको जो है एक तरीके से कहें कि डेवलप करने के लिए उसको आपको मेंटल जो है वो मेंटर दिया जाता है या आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको मतलब वहाँ पे सिखाया जाता है चीज़ों को लेकर आपके अंदर कोई भी स्किल हो, ये 15 साल से 29 साल के युवाओं के लिए है और इस पर मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास लोगों ने रजिस्टर भी किया, फिर वो चाहे खेल का हो, आप कला में हो, आप कोई भी आपके लीडरशिप में हो, मतलब किसी भी तरह का आपके स्किल हो या किसी भी तरह के आप प्रोग्राम में जाना चाहते हो उसको लेकर मेंटरशिप वगैरह दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हम युवाओं के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे जो एजुकेशन में रहते हुए वो अपने कौशल को बढ़ा सके और उनको सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा कि सालाना 1 लाख रुपए एवज उनको भुगतान के रूप में दिया जाए, यानी सैलरी बेसिस उनको दिया जाए। इसमें सैलरी बेसिस का जिक्र शायद नहीं है, नहीं इसमें ऐसा अभी सैलरी के हिसाब से तो जिक्र नहीं है, हालांकि इसी तरीके का प्रोग्राम पर पीएम कौशल विकास योजना भी था, हालांकि अब उसका जिक्र काफी कम आता है, हालांकि इसमें ये कहा गया है कि 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को जो है स्किल ट्रेनिंग दी गई पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत। इसके अलावा यूथ के लिए ये भी कहा गया कि 280
एथलीट्स को जो है ओलंपिक और अदर स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग में दिया गया। यूथ के लिए जो एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं मानता हूँ वो ये है पेपर लीक कानून। हाँ, पेपर लीक कानून हाल ही में अभी पास किया सरकार ने। पेपर लीक कानून की हम जो है जो पेपर लीक लगातार अभी हमने हाल के दिनों में देखा, जिस तरीके से यूपी, राजस्थान, बिहार, हर जगह हम जहाँ पे भी देख रहे हैं, गुजरात सबसे बड़ा, गुजरात में, तो चारों तरफ पेपर लीक। और ये जब युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, बड़ी मध्य प्रदेश, राजस्थान, बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों में जो भर्ती आती है उसकी तैयारी करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, और अपनी जो युवा अवस्था है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें लगाते हैं, जिसमें वो क्रिएटिव हो सकते हैं, जिसमें वो सबसे ज्यादा उनमें उत्साह होता है, जोश होता है। तो और जब वो पेपर देने जाते हैं सालों साल बाद, भर्ती आती है, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो ये सरकार को लिए मतलब जो सबसे बड़ा फेल्योर होता है, सबसे बड़ा आपके जो सारे सुशासन के दावे हैं, आपके जो सारे लॉ एंड ऑर्डर के दावे हैं, आपके जो मैनेजमेंट के जो सारे दावे वहां पर ध्वस्त हो जाते हैं, और ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। हाँ, और इसको लेकर युवाओं में भी और उनके परिवार में भी काफी गुस्सा होता है, रोष होता है। तो इसको लेके दर्शकों पेपर लीक, हाँ, हम दर्शकों को ये भी बताते हैं कि ये इस जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिस पेपर लीक के मामले की बात कही है, कांग्रेस ने भी इसको बड़ा प्रमुखता से उठाया। बिल्कुल, कांग्रेस ने जाके अपने मैनिफेस्टो में कहा कि पेपर लीक अगर होता है तो हम उसके लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसकी एक व्यवस्था करेंगे कि पेपर लीक ना हो। अगर पेपर लीक होता है तो जो बच्चों के लिए उचित न्याय होगा, हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, उसमें जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। एक और उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही, हालांकि ये कांग्रेस बीजेपी का घोषणा पत्र है, लेकिन हम लोग कंपेयर भी कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, आगे बताइए। हाँ, पेपर लीक पर जो अभी की सरकार जो लोकसभा है उसमें भी सरकार लेके आई थी एक्ट, और फिर अब जो है इन्होंने अपनी गारंटी में भी इसको शामिल किया है। अब गरीबी की ओर चलते हैं, जो तीसरा मोदी सरकार का कैटेगरी है कि गरीबी ये कहा गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो 2020 से राशन प्राप्त कर रहे हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, उनको जारी रखा जाएगा। बैंकिंग सिस्टम जो है पीएम जनधन अकाउंट के तहत 50 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया है, तो ये अपनी जो सफल उपलब्धि कह सकते हैं कि उसको बताया गया है। और एम्पावर्ड सिटीजंस बाय ट्रांसफरिंग 34 लाख करोड़ डायरेक्टली टू देयर अकाउंट, मतलब अलग अलग स्कीम्स के तहत जो है भेजा गया है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है आयुष्मान भारत के तहत, वो 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 4 करोड़ प्लस लोगों को पक्का घर दिया गया है पीएम आवास योजना और अदर इनिशिएटिव के जरिए, ये भी दिया गया है। पक्का घर में आप जब कह रहे हैं तो हमको याद आ रहा है 50वें जब पन्ने पे जाएंगे आप, तो इज ऑफ लिविंग में बीजेपी ने एक बड़ा बेहतरीन एक दिया है, सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण करेंगे जो सिटीज हैं उनके आसपास। ये किस तरह का होगा? ये इस तरह का होगा कि इसमें ये दिया गया है कि हम बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे। इन टाउनशिप में मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। यानी कि इसका कहने का मतलब, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, कि जैसे बीएसपी ने एक टाउनशिप योजना लेके आई थी कांशीराम के शहरों के बगल में एक होगी, ताकि लोग जो बेघर हैं वो आके रह सकें, जिसमें सारी व्यवस्था थी, बिजली, पानी, रहने सहने की सारी व्यवस्था। उसी तरह से एक ये निर्माण की योजना बना रही है, हालांकि एक तरह से स्मार्ट सिटियों के बगल में, स्मार्ट सिटी का छोटा भाई। हाँ, अब स्मार्ट सिटी का क्या हुआ आप जानेंगे। हाँ, आगे बताइए। हाँ, इसमें ये भी दावा किया गया है कि 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए। तो चौथा पॉइंट जो गौरव बता रहे थे, चौथा पॉइंट है किसान। पहली महिला, युवा, गरीबी और किसान। किसान को लेकर जो हम देखते हैं कि पिछले 5 साल का अगर हम देखें कार्यकाल, तो इतना लंबा जो अपने आप में एक ऐतिहासिक, क्या कह सकते हैं कि मतलब अतुलनीय प्रोटेस्ट था एक तरीके से, वो चला दिल्ली के आसपास और अभी भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। तो किसानों को लेकर जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने अपने दावा वादा किया है वो ये है कि पीएम फसल बीमा योजना मजबूती दी जाएगी, एमएसपी में बढ़ोतरी दी जाएगी, एमएसपी में समय पर गारंटी नहीं दी जाएगी, वृद्धि को जारी रखेंगे, गारंटी नहीं दी जाएगी। हाँ, अभूतपूर्व वृद्धि की है उन्होंने, कहा कि हमने जो एमएसपी है फसलों में उसको अभूतपूर्व वृद्धि की है और आगे भी हम इस वृद्धि को जारी रखेंगे। इसके अलावा दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की बात कही गई, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर बनाने की बात कही गई है, और भारत को विश्व के न्यूट्री हब के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है, प्राकृतिक खेती का विस्तार
और फसल डाइवर्ज मतलब डाइवर्सिटी हो, अलग अलग तरीके के उपज हो, उन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अनाज स्टोरेज की सुविधा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ली जाए। कृषि सैटेलाइट ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नैनो यूरिया की उपलब्धता, ये सारी चीजें हैं। और देशी पशुओं की रक्षा जो है, उनके संरक्षण की बात, पालन तो, हाँ, ये सारी चीजें है। बीजेपी का मैनिफेस्टो, बीजेपी ने चार आधार पे मैनिफेस्टो तैयार किया है। जैसे गौरव ने बताया कि बीजेपी ने जो चार रखे हैं उसमें से पहला रखा है महिला, दूसरा युवा, किसान, गरीब और चौथा किसान। हालांकि किसान में किसी सबसे बड़ी बात आती है एमएसपी का मुद्दा इसने रखी है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। लेकिन जिस तरह से मैनिफेस्टो का नाम है मोदी की गारंटी, एमएसपी पे गारंटी नहीं है लेकिन एमएसपी जरूर बढ़ाई। और एक चीज युवाओं को लेकर भी हम कहना चाहेंगे कि जैसा कि हम अभी तक देखते थे कि नंबर दिए जाते थे कितने लाख लोगों को नौकरी, इतने करोड़ लोगों को नौकरी, वो भी नहीं है, वो नंबर इस बार मिसिंग है। रोजगार को लेकर कांग्रेस ने 30 लाख का वादा किया है, 30 लाख का वादा, जो खाली पद है वो भरे जाएंगे। अर्जेंटीना ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो अर्जेंटीना ने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जो 30 लाख तो है वो है ही, और जो नौकरियों को सृजित करेंगे। हाँ, जो 2014 में जैसे की बात की जाती है की बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे लोगों को, और इस तरीके की चीजें, तो ये नंबर मिसिंग है इस बार। नौकरियों की बात कही गई है लेकिन नंबर डेटा नहीं है, ये वो दावा नहीं है। इसके अलावा ये चूंकि बीजेपी को लेके कहा जाता है कि डेटा पर खेलने वाली पार्टी है, इसके तो इसके अलावा कुछ और घोषणा पत्र की खास बातें जिस पे हम बात कर लेते हैं। यूसीसी को अभी तक मतलब चूंकि वो एक अनिवार्य अंग है भाजपा की संकल्प पत्र का, राम मंदिर और कश्मीर का तो 370 का तो हो चुका है, लेकिन यूसीसी अभी भी बरकरार है। और ये कहा गया है कि जो संविधान की अनुच्छेद 44 में कहा गया कि यूसीसी लागू किया जाए, तो हम उसको करेंगे। वन इलेक्शन के बारे में कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, खर्चा वगैरह बहुत ज्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है तो उसमें होगा। इसके अलावा कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात एक कही गई है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा। क्योंकि क्या है कॉमन इलेक्टोरल रोल, मतलब जैसे कि हम देखते हैं राज्य के लिए जब चुनाव होते हैं तो अलग वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल और पंचायत वाले में अलग, तो एक कॉमन हो जो ऊपर से नीचे लेकर नीचे, हाँ, सबके लिए। और इसके अलावा वन स्टूडेंट वन आईडी, अच्छा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी एक बनाई जाएगी, जिसमें एक स्टूडेंट का आप आईडी डालेंगे तो वो पूरा डेटा उसका, हाँ, पढ़ाई लिखाई, करियर, उसका क्या स्कोर कार्ड, रेट वगैरह सारी चीजें सब उसमें एक आईडी तरीके की जगह एक बना भी है, उसमें लोग डाल रहे हैं अपना, हमने हमारे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे हैं वो गए हैं तो उनको एक डालना पड़ता है, बना हुआ है उस टाइप का, हाँ, तो उसी तरीके का। इसके अलावा ओलंपिक मेजबानी को लेकर प्रयास करने की बात भी कही गई कि 2036 के जो ओलंपिक होंगे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और वो सारी चीजें। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टार्टअप और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है कि स्पोर्ट्स को लेकर जो तकनीकी और तमाम तरह की स्टार्टअप्स हैं उनमें जो है खेल को एक रोजगार का जरिया बनाया जाए, न केवल खेलने के ही बल्कि जो उसके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्री होती है उन पर भी जो है ध्यान देते हुए। अगर ये खेल की बात आ रही है तो हम बता दें कि IOC में मेंबर थी आपकी जो भारत की सबसे बड़ी फाइटर मानी मैरी कॉम, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है कुछ असंतोष जाहिर करते हुए। आगे बढ़ाइए। इसके अलावा द्वीपों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा, ये काफी विवादित मुद्दा रहा, मालदीव और फिर वो लक्षद्वीप, इन सारी चीजों को लेकर अभी भी कच्चा तीवू को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाई एक ये भी कि जो हमारे आइलैंड्स हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा, वहां पर भी जो है टूरिज्म के अवसर जो है उनको बढ़ावा मिले इसके लिए। इसके अलावा AI के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प में जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन किस तरीके से भविष्य को लेकर जो तैयारी है उनमें भी बीजेपी नहीं रहना चाहती। विभिन्न शहरों में साइंस पार्क डेवलप किया जाएगा जो हर मतलब शहर में IT पार्क वगैरह की तर्ज पर। इसके अलावा जो इसरो के प्रोग्राम्स हैं चंद्रयान गगनयान और उन सारी चीजों का भी जिक्र बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया हुआ है। घोषणा पत्र में और जब इसकी बात आ रही है तो कहा जा रहा है अपने घोषणा पत्र में दिया है कि हम मानव रहित चंद्रयान पे मानव सहित उतारेंगे, वहाँ वो करेंगे। हालांकि अमेरिका इससे पहले उतार चुका है और भारत की अपनी कोशिश है उतारने की। इसके अलावा लास्ट आप बताइए। लास्ट नदियों का संरक्षण कायाकल्प करने की बात कही गई, नमामि गंगे का क्या असर हुआ हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नमामि गंगे और उन सारी चीजों को समायोजित करते हुए। इसके अलावा वायु प्रदूषण को लेकर भी जो है एक
दावा किया गया कि क्योंकि हम दिल्ली में और आसपास के इलाकों में देख रहे हैं, इसके अलावा बंगलुरु में भी, मुंबई में भी और पूरी दुनिया में ये समस्या है। जब भी हम देखते हैं कि वायु प्रदूषित सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट आती है तो उसमें आधे तो इंडिया के ही होते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश और ये बंगलुरु हम देखते हैं, मुंबई देखते हैं, ये गाजियाबाद, दिल्ली, हाँ, तो ये सारी चीजें समाजित की गई है। तो ये था बीजेपी का घोषणा पत्र, आपको कैसा लगा? हमने चीजों को बताया कि इस आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है, इस पर आप कमेंट जरूर दीजिए और हम आगे भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लेते आएंगे। तो फिलहाल इतना ही, गौरव धन्यवाद। धन्यवाद।